नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ भाई, कुवैत में भी आपको पता है प्रॉब्लम चल रहा है, सऊदी में, कुवैत में। इन्होंने तो दुबई की भी फ्लाइट बंद कर दी। आप समझ सकते हैं कि जब दुबई की फ्लाइटें बंद हो जाती हैं तो दुबई से भी आप नहीं जा सकते, इसका मतलब इंडिया से तो फिर जाने का चांस ही नहीं, ये बात आप समझ लें। और कुवैत बार बार कोरोना से रिलेटेड भी अभी अपडेट करती जा रही है। कोरोना के कुछ मामले उनको लग रहा है कि बढ़ रहे हैं कंट्री के अंदर, तो वो सख्ताई के साथ उनको पेश करने की कोशिश कर रही है। सऊदी में भी आपको पता है मस्जिदें पे लॉकडाउन लगेगा, बाकी लॉकडाउन लग रहा है वगैरह वगैरह, ये अपडेट तो नॉर्मल चलते रहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, जो लोग कुवैत में रहते हैं, जी हाँ, उनके लिए इंपोर्टेंट मैसेज आया है। कुवैत मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। जी हाँ, अगर आप गलती करोगे कोरोना काल में तो 6 महीने की सजा के साथ 10,000 KD जुर्माना आपका लगेगा। 10,000 बड़ा जुर्माना, तो आप सोच नहीं सकते उतना जुर्माना आपको। और गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं कि जुर्माना एक बार लग गया ना तो चांस नहीं है कि वो उनसे आपको रिलीफ मिल जाए, माफीनामा मिल जाए, वहां ऐसा कोई चांस नहीं होता। तो इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है आपको। और इसका रीजन सीधा सीधा भाई, कुवैत में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने ये कानून पास किया है। हालांकि सरकार ने बताया कि 1968 में जो कानून बना है उसकी संख्या 8 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर आप कोरोना काल या फिर ऐसी महामारी में कुछ सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको सजा का फिर भुगतनी पड़ेगी। सरकार ने भी लोगों से अपील की है, अधिकारियों के द्वारा भी, कंपनी खासतौर से कंपनी वर्करों के लिए, निवासियों के लिए मैं बता दूं, या कामगार, उनको रोकने की अपील की है कि भाई आप इस कंट्रोल करिए अपने आप में, कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, कुवैत को जो सिविल सेवा आयोग है उनमें भी ये वर्करों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उनके माध्यम से समझाया जा रहा है लोगों को कि अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हो तो आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो सिविल सेवा आयोग है, डिग्री के अनुच्छेद बता दूं 60 के तहत ये ऑप्शन पहले से रखा गया है कि अगर आप कोरोना काल के दौरान या फिर ऐसी कोई घटना के दौरान जो देश हित में नहीं है या बीमारी से रिलेटेड हो, अगर आप उल्लंघन करते हुए पाए गए तो एक पहले दिन अगर गलती करोगे तो आपका 1 दिन का वेतन जुर्माने के तौर पे कटेगा, ठीक है। और फिर अगर आप दोबारा इसी गलती को करते हुए पाए जाते हैं तो 15 दिन का आपका जुर्माना सैलरी के तौर पे, सैलरी काट ली जाएगी जुर्माने के तौर पे। यानी दूसरी बार गलती करते 15 दिन का जुर्माना आपका वो एडजस्ट हो जाएगा अपने आप, कंपनी को सीधा पैसा गवर्नमेंट अकाउंट में देना पड़ेगा आपकी तरफ से। जी हाँ, तो इन चीजों को आप ध्यान रखें भाई। कुवैत में, सऊदी में आपको पता है कोरोना के मामले हालांकि इतने बढ़ नहीं रहे, लेकिन उनको लग रहा है, ऐसा लग रहा है, इस वजह से वो कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई पहले से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वैक्सीन की प्रॉब्लम है, सभी देशों में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है तो सबको टीका लगना वगैरह बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो सरकार आगे की सोच के चलती है कि इसको पहले ही कंट्रोल कर लें तो अच्छा रहेगा आम जनता जनता के लिए। और वह वीजा वगैरह तो आप एक बार स्टॉप भी कर दो, हालांकि मेरे मोबाइल पे रोज कुवैत के वीजा आ रहे हैं कि फलाना का ये ऑफर लेटर, ये वो। और अभी चल रहा है कुवैत की कौन से वीजा चल रहे हैं आपको पता है, शॉर्ट वीजा 10-11 महीने का, ये लोगों का अच्छा एक प्लान है बेवकूफ बनाने का एजेंटों का। तो इनसे भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है, इससे कोई वीजा वगैरह नहीं है, फ्लाइटें भी नहीं है, इधर उधर से भी आप जाते हो सोचने की तो दिमाग से निकाल दो। ओमान से भी शायद फ्लाइटें बंद है, दुबई से भी बंद है, तो फिर जाने का टिकट बनाने का मुझे नहीं लगता कोई आपका उचित होगा। तो बस ये छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।